देखूँ आज मैं रेक्टेंगल टेबल क्लॉथ टेबल रनर का वीडियो लिख रही हूँ, जिसमें ये थ्री कलर थ्रेड कॉटन में यूज़ करूँगी। 3.0 क्रोशिया हुक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चेन बनाएंगे। थर्टी चैन बनाएंगे। 33 एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1, 2, 3 और इधर से 3 स्किप करके 1, 2, 3 स्किप करके फोर्थ में जाके डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरीके से सेकंड चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। थर्ड चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये इस तरह बन के आएंगे। थ्री डबल क्रोशिए, एक चेन और यहाँ से भी एक चेन स्किप करके ये सेकंड में जाके फिर से डबल क्रोशिया करना है। 1, 2, 3 3 चैन में 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन इधर से ये स्किप करके सेकंड वाले में डबल क्रोशिया करने हैं। नेक्स्ट वाले चैन में फिर से नेक्स्ट चैन में 1 चैन स्किप करना है, इसमें जाके फिर से डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में डबल क्रोशिया, 1 चेन। इसी तरीके से ये कंटिन्यू इसी तरीके से करने हैं। 3 डबल क्रोशिए, यहाँ से 1 चैन, यहाँ से 1 स्किप करना है 1 चैन, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिए 3 चैन में, फिर यहाँ से 1 चैन, यहाँ से 1 चैन स्किप करके 3 डबल क्रोशिए। इसी तरीके से ये तो कंप्लीट करना है यहाँ तक। फिर दिखाती हूँ इस तरीके से ये लास्ट में यहाँ पे एक चेन बना के यहाँ से एक को स्किप करके ये सेकंड वाले में जाके 1 डबल क्रोशिया, ये लास्ट चेन में 2 डबल क्रोशिए और इसी में
थर्ड वाला भी कर देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि आगे स्पेस नहीं है तो इसी में ही हम टू कर लेंगे एक ही चैन में। थोड़ा सा ये टाइट हो गया है, कोई बात नहीं। इस तरीके से इसको अब यहाँ पे थ्री चेन बनाएंगे, 1 2 3। और टर्न करके इधर नहीं जाना है, टर्न करके इस तरफ जाना है। अब यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 एक ही चेन में, थ्री, इस तरीके से एक ही चैन में 3 डबल क्रोशिया किए हैं। यहाँ से कॉर्नर के लिए यहाँ पे 3 चैन किए हैं। अभी फिर से ये कॉर्नर के लिए 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ से इसको स्किप करके, सॉरी, अब जहाँ से इसी में ये जो स्किप किया था इधर से बनाया था, इसी में जाके डबल क्रोशिया करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 2 3। तो ये इस तरह बन के आएगा कि ये कॉर्नर है। आगे भी ही रहेगा, यहाँ से 1 चेन बना के इसमें जाके यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चैन, फिर से ये 3 स्किप करके ये यहाँ पे जो स्पेस है 1 चैन का, इसमें जाके 3 डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये इस तरह बन के आएगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, ये मैंने 30 चैन बनाए थे ये स्टार्टिंग में, और 3 एक्स्ट्रा किए थे, और 3rd चैन में जाके यहाँ पे 1 चैन में 1 डबल क्रोशिया, 2nd चैन में 2nd डबल क्रोशिया, 3rd चैन में 3rd डबल क्रोशिया, यहाँ 1 चैन, 1 स्किप, अगेन 1 चैन, 1 डबल क्रोशिया, 2 चैन, 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, 3 डबल क्रोशिया, सेम इसी तरीके से यहाँ तक किया है, यहाँ तक। उसके बाद फिर यहाँ से 3 कॉर्नर के लिए 3 चैन बना के यहाँ पे एक ही चैन में इसमें 3 डबल क्रोशिया किए हैं, फिर इसको कॉर्नर के लिए 3 चैन, और यहाँ जो स्पेस बनाया था इसमें 1 चैन का, उसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, ये 3 डबल क्रोशिया स्किप करके यहाँ पे जो चैन था उसमें जाके 3 डबल क्रोशिया, 1 चैन, कंटिन्यू इसको करेंगे इसी तरीके से। ऐसे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 1 चैन, 3 डबल क्रोशिया,
वन चैन, तो ये कंटिन्यू इस तरीके से यहाँ तक करके फिर मैं आगे का दिखाती हूँ इस तरीके से। ये बने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कोना, अभी यहाँ भी इनको स्किप करके इसमें जाके यहाँ पे 3 बनाएंगे। डबल क्रोशिए 1 2 3। अब यहाँ से फिर से 3 चैन बनाएंगे कॉर्नर के लिए और इसमें जाके यहाँ पे 3 डबल क्रोशिए करेंगे। फिर से कॉर्नर के लिए 3 चैन 1 2 3 और सेम इसी में डबल क्रोशिए करेंगे 3। स्किप करके यहाँ पे स्पेस जो 1 चैन का है इसमें जाके 3 डबल क्रोशिए, इस तरह बनते आएगा तो इसके कोने बनते जाएंगे। चैन 3 डबल क्रोशिए, यहाँ पे 3 डबल क्रोशिए, इसको कंटिन्यू करते जाना है। तो ये इधर से भी बड़ा होता जाएगा और इधर से भी को राउंड राउंड ऐसे बनाते जाना है, लेकिन ये 3 चैन इधर 3 चैन बनाते जाने हैं तो ये कोने बनेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। इसको कंप्लीट करके मैं आगे का दिखाती हूँ। यहाँ से ये 4 डबल क्रोशिए करके अब कोने के लिए 3 चैन और इसी में ये जो पहले 3 का कोना बनाया था इसी में 4 डबल क्रोशिए करेंगे, सॉरी 3 2 3, तो इस तरह ये कोना बनेगा और 1 चैन, फिर से यहाँ इस कोने में 4 डबल क्रोशिए, सॉरी 3 डबल क्रोशिए,
रिमूव, चढ़ा हुआ है चार डबल क्रोशिया, थ्री, और फिर से यहाँ पे कोना बनाएंगे तो थ्री चेन, और इसी में फिर से थ्री डबल क्रोशिया, इस तरीके से ये बनते आएगा, ये कोने, ये और ये। पहले यहाँ एक थ्री डबल क्रोशिया किया था, अभी यहाँ पे इसमें दो किए हैं। नेक्स्ट फिर यहाँ पे तीन आएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो यहाँ से इस तरह ये बढ़ते जाएगा। वन चेन, फिर से इसी में थ्री डबल क्रोशिया करते जाने हैं, सेम स्टिच, थ्री डबल क्रोशिया का, वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया, कंटिन्यू, इस तरीके से बनते जाएंगे। वन चेन, सेम इसी तरीके से रहेंगे, बस ये कॉर्नर में, यहाँ पे इसका ध्यान रखना है, ये कॉर्नर में यहाँ पे एक थ्री चेन बना के, फोर डबल क्रोशिया करके थ्री चेन बना के, फिर एक थ्री चेन के बाद फोर डबल क्रोशिया, फिर वन चेन बनाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, इसमें थ्री डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर इसमें जाएंगे, थ्री डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे, सॉरी थ्री चेन बनाएंगे, ये कोना है तो ये यहाँ पे और यहाँ पे थ्री थ्री बनेंगे, तो ये कंटिन्यू इसी तरीके से बनते आएगा। तो इसको मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ, एक बार फिर से बना के दिखाती हूँ कोना, ये कोना आ गया है। तो यहाँ पे ये जो थ्री का कोना था, इसमें थ्री डबल क्रोशिया करेंगे, वन टू थ्री, यहाँ थ्री चेन, फिर से इसी में सेम इसी में थ्री डबल क्रोशिया, टू, थ्री, वन चेन, और इसमें फिर से थ्री डबल क्रोशिया इस कोने में, टू, थ्री, थ्री चेन, फिर से इसी में थ्री डबल क्रोशिया, टू, थ्री, वन चेन, इधर कंटिन्यू सेम रहेगा। तो ये इस तरह इसके कोने बन के आएंगे, तो ये इस तरह बनते जाएगा। अभी मैं इसको कंप्लीट, जितने भी रो बनाने कंप्लीट करके फिर इसका दिखाती हूँ। फिर से ये कॉर्नर आ गया, तो यहाँ पे थ्री डबल क्रोशिया, टू, थ्री, थ्री चेन, फिर से इसी में थ्री डबल क्रोशिया, कोना बन गया।
हम यहाँ से एक चेन वन चेन फिर से थ्री डबल क्रोशिया इसमें करेंगे, वन टू थ्री वन चेन, फिर इस कॉर्नर में जाके थ्री डबल क्रोशिया, वन टू टू थ्री थ्री चेन टू थ्री, फिर से इसी में थ्री डबल क्रोशिया। तो ये कोना इसी तरीके से बन के आएगा, कंटिन्यू कोना फिर इसी तरीके से बनते रहेगा जैसे कि ग्रेनी स्क्वायर में बनाते हैं, सेम इसी तरीके से इसमें वन चेन फिर से थ्री डबल क्रोशिया, इसके आगे इसका कंटिन्यू यही रहेगा सेम। कॉर्नर इसका ये कॉर्नर इस तरीके से बन के आएंगे, तो मैंने इसके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स रो कर लिए हैं। नाइन रो करूँगी उसके बाद फिर ये वाइट कलर लगाऊंगी और उसके बाद ये कलर लगाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, आप भी ये बना के आइए, नाइन इसके ग्रेनी स्टिच। नेक्स्ट वीडियो में आगे का दिखाऊंगी, तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।